जसलीन मथारू के पिता केसर मथारू का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू को केसर मथारू ने एक लीडिंग चैनल इंडिया टुडे को दिया है। आपको बता दें कि केसर मथारू ने इस इंटरव्यू में कहा कि जसलीन मेरी लाडली बेटी है, मैंने उसे बहुत नाजों से पाला है। जैसे ही वो घर से बाहर आएगी मैं उससे एक ही सवाल करूंगा, अगर उस सवाल के जवाब में वो हाँ कहती है तो मैं जसलीन से अपने सारे नाते तोड़ दूंगा। फिर वो और अनूप जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ केसर मथारू ने ये भी कहा कि अगर जसलीन ना कहती है तो हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते हैं। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बेटी के जवाब से। इसके साथ साथ केसर मथारू ने ये भी कहा कि मैं अनूप और जसलीन को ये सलाह देना चाहता हूँ कि दोनों घर के अंदर अच्छे तरीके से गेम खेलें और अपनी इमेज घर के अंदर ही सुधार लें तो बेहतर होगा। वहीं अनूप जलोटा पर बात करते हुए केसर मथारू ने कहा कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उसे मैंने ही अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे नहीं पता था कि अनूप जलोटा ऐसा निकलेगा। केसर मथारू ने ये भी कहा कि अगर मुझे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि घर के अंदर अनूप जलोटा ना हो। वहीं जब केसर से इस पर सवाल किया गया कि उन्हें लोगों के किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं तो केसर ने बताया कि लोग उन्हें कॉल करके ये कह रहे हैं कि जसलीन को जान से मार दो। केसर मथारू ने कहा कि जसलीन बच्ची है, मुझे उसकी जान लेने का कोई हक नहीं है, अगर उसने गलती की है तो वो अपनी गलती को फेस भी खुद करेगी, वो समाज को फेस भी खुद करेगी, कैसे करना है ये उसे देखना है। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क।